बुरखेड़ा थाना इलाके में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार खाई रोड निवासी 33 वर्षीय दिनेश पंकज और सूर्या नगर निवासी 26 वर्षीय भांजा सोनू पंकज दोनों दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रहे थे। इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आ गए, जहां दिनेश की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं सोनू का एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल बुरखेड़ा थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपोर्ट कर दिया है। मामला दर्ज कर पूरे मामले की जाँच की जा रही है। कल दिनांक 28/12/2021 को दिनेश और सोनू दोनों सूर्य नगर ग्रामीण पुलिस लाइन से पटरी पार करके दिनेश व सोनू वहाँ अपने सूर्य नगर से आ रहे थे अपने नयापुरा क्या उसकी मौसी का मकान है जी। तो ट्रेन पार कर रहे थे तो अचानक उधर से अपने मुंबई और दिल्ली की तरफ से एक मालगाड़ी आई, तो मालगाड़ी से वो अचानक प्रवेश पार नहीं कर पाए पटरी को और उससे टकरा गए। टकराने के बाद ऑन स्पॉट दिनेश तो वहीं खत्म हो गया और सोनू जेल इलाज पर थी। सर वो साउंड बात है कि आप पार्टी वार्टी भी कर रहे थे, इसी को बात आई थी सामने? नहीं, वहाँ पटरी पे तो कहाँ पार्टी करेंगे, पटरी पे तो कोई पार्टी कोई ऐसी जगह नहीं है जो वहाँ जाके पार्टी करेंगे। वो निकल के जा रहे होंगे या उनके पास कोई चीज़ होगी, तो आगे हमारा जाँच का विषय है, ऐसी कोई बात नहीं है कि सामने पार्टी के, लेकिन ये जांच का विषय हम देखेंगे। लेकिन वो पटरी पे तो ऐसी कोई पार्टी की जगह होती नहीं है।